मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने अपने सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। आइए एक नजर डालते हैं रिजल्ट्स की डिटेल्स पर। एक्सिस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 8% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 7900 करोड़ पे आई है। बैड लोन प्रोविजनिंग में शार्प 60% रिडक्शन के कारण बैंक का नेट प्रॉफिट 86% ग्रो होकर 3133 करोड़ पे आया है, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई क्वार्टरली प्रॉफिट है। एक्सिस बैंक के ग्रॉस एनपीएस लास्ट ईयर के 4.2% से कम होकर इस सितंबर क्वार्टर में 3.5% पे आए हैं, जो कि दर्शाता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अब एक तरफ जहां पर बैंक के एडवांसेस में 10% की ग्रोथ नजर आई है, वहीं पर दूसरी ओर डिपॉजिट्स 18% बढ़े हैं। द रेशियो ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स यानी कि कासा रेशियो भी 40% से इंप्रूव होकर 42% पे आया है। इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सिस बैंक का शेयर प्राइस अब तक करीब 20% बढ़ा है, वहीं पर दूसरी ओर निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट 24% बढ़ा है। ये दर्शाता है कि एक्सिस बैंक के स्टॉक ने ब्रॉडर मार्केट्स को स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है। तो ये थी मेन हाइलाइट्स ऑफ एक्सिस बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट।